मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस भारत देश के यशस्वी और दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की पहल और प्रयासों का ही ये सुपरिणाम है कि हम आज विश्व भर में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मना रहे हैं और इसके माध्यम से आज दुनिया भर के लोगों के लिए पोषण का और समृद्धि का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही है, साथ ही पृथ्वी के पर्यावरण के संरक्षण को भी एक नया आयाम मिला है। देवियों सज्जनों, महोदय आपके इस दूरदृष्टि और विजन को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और मैं निवेदन करूंगा माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे आपको एक बुके भेंट करके, और ये बुके भी मिलेट्स का ही है जो अपने आप में एक मीनिंगफुल बुके है, आपके करतल धन के साथ। देवियों सज्जनों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके विजन, उनकी दूरदृष्टि के लिए। आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ मंच पर विराजमान हैं भारत सरकार के माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी और ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ आइए उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करें। वी फील प्राउड लेडीज एंड जेंटलमैन इन दिस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो ग्रेसिंग द ओकेजन। द इंडियन डायस्पोरा एंड द इंडियन मिशंस आर ऑल्सो कनेक्टेड विद अस लाइव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Let's put our hands together to welcome all those dignitaries who are connected virtually with us. इसके अलावा देश में भी अलग अलग हिस्सों से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, FPOs, startups, किसान भाई बहन और इंडस्ट्री के लोग बड़ी संख्या में वर्चुअली इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस आयोजन में हमसे जुड़ने के लिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सभी को नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष माननीय श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए अनेक देशों के माननीय कृषि मंत्रीगण, राजदूतगण, एग्री स्टार्टअप्स, वैज्ञानिक और आज वर्चुअल रूप से विश्व भर में भारतीय दूतावासों से जुड़े समस्त महानुभाव, देश में कृषि विज्ञान केंद्र ICR के संस्थान FPOs से वर्चुअल रूप से जुड़े हजारों हजार की संख्या में उपस्थित सज्जनों, बहनों और मीडिया के मित्रों, आज मिलेट सीयर का शुभारंभ उत्सव है। मिलेट्स के विषय को लेकर जब भी कोई सवाल आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उत्साह से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हीं के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप
यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आज मिलेट्स उत्सव का दिन है, विश्व भर के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी उनकी उदारता पूर्वक उपस्थिति निश्चित रूप से हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करती है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित और वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हजारों हजार लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। सारी दुनिया इस बात की साक्षी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लगभग उसी मात्रा में समूचे विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति हो और विश्व के सामने जो विद्यमान चुनौतियां हैं उनका समाधान हो सके, इसके लिए भी उनका सदप्रयत्न हमेशा रहता है। वसुधैव कुटुंबकम भारत की अवधारणा है और उस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए वो अपने जीवन का एक एक पल पूरा समर्पित करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला उसके बाद देश की समस्याओं के समाधान के लिए, छोटे छोटे गैप्स को भरने के लिए उन्होंने योजनाओं का सृजन किया, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। उससे भारत की निश्चित रूप से ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ी। साथ ही भारतीय विधा भारतीय योग था। प्रधानमंत्री जी की हमेशा से मान्यता रही है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भी उपलब्ध करा दें लेकिन अगर रोग बढ़ते रहेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा कम ही पड़ेंगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये कोशिश रही कि रोग कम से कम हो, इसका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इसलिए देश में भी स्थान स्थान पर वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ और ठीक उसी दिशा में विश्व की दृष्टि से विश्व को योग के महत्व को समझाया। और मुझे प्रसन्नता भी है और गौरव भी है कि सारी दुनिया ने प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार किया और योग को अपनाया। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चिंता करते रहते हैं कि हमारे देश का और दुनिया का जो छोटा किसान है, जो वर्षा आधारित खेती करता है, उसकी ताकत बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ आज लोगों के पास खाद्यान्न की प्रचुरता तो है लेकिन भोजन की थाली में जो पोषकता का अभाव है उस अभाव को भी भरने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए आप सब ने देखा होगा कि 2018 में प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स यानी मोटा अनाज, पोषक अनाज और अब बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहकर इस मोटे अनाज को जो प्रतिष्ठा दी है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस श्री अन्न को भोजन की थाली में प्रतिष्ठा मिले और हमारे छोटे किसान की ताकत बढ़े, मिलेट्स की खेती प्रोत्साहित हो, मिलेट्स के उपभोग के लिए लोग आगे बढ़ें, इस दृष्टि से 2018 में मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष भर कार्यक्रम किए गए, परिणाम स्वरूप मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी और मिलेट्स की मांग भी बढ़ी। 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स की विशेषता बताते हुए मिलेट्स के महत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने
प्रतिपादित किया और मुझे कहते हुए गौरव है कि दुनिया के 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यूएन ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया। उसका शुभारंभ आज हम सब लोग कर रहे हैं। मिलेट्स निश्चित रूप से भारत के लिए ही नहीं, समूची दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। मिलेट्स में पोषक तत्व हैं। मिलेट्स की खेती को सामान्य भूमि में किया जा सकता है। मिलेट्स की खेती में फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती, अपितु आदानों की जो लागत में कमी आनी चाहिए वो भी मिलेट्स की खेती से आती है। और मिलेट्स की खेती जहाँ होती है तो मिलेट्स का पौधा निश्चित रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में योगदान करता है। मिलेट्स आधारित जो उत्पाद हैं उनके प्रयोग से मनुष्य की भोजन की थाली में और उसके जीवन के खान पान में जो पोषक तत्वों का अभाव है वो भी भरा जाता है। और साथ ही साथ यह मिलेट्स की खेती पर्यावरण को भी संरक्षित करने के काम में आती है। 2023 मिलेट्स ईयर है। इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में पूरी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ, अन्य संस्थाओं के साथ, आयातक निर्यातक के साथ, इंडस्ट्री के साथ, भोजन बनाने वाले महानुभावों के साथ और स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में सबने मिलकर इसको प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और आज मैं समझता हूँ कहीं भी देश में बात चलती है तो मिलेट्स की बात जरूर आती है। और मुझे कहते हुए गौरव है, जब इस बार भारत का बजट प्रस्तुत हुआ तो उसमें भी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान हैदराबाद वह विश्व स्तरीय उत्कृष्ट संस्थान बने, इसकी भी घोषणा की गई और मिलेट्स को श्री अन्न कहकर जो सम्मान दिया वो आप सब लोगों के सामने है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज का यह दिन और मिलेट्स ईयर 2023 यह इतिहास में हमेशा साक्षी रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी आज एक डाक टिकट भी और एक सिक्का भी जारी करेंगे, जिससे आने वाले कल में पीढ़ियां इस बात को याद रखे कि 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। आज मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का और विदेशों से जो हमारे मेहमान आए हैं उन सब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, आप जानते हैं अनेक देशों के जो यहाँ अतिथि विशेष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा अनेक देशों के प्रमुखों ने अपने वीडियो संदेश भी इस आयोजन के अवसर पर भेजे हैं। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ एथियोपिया के प्रेसिडेंट हर एक्सीलेंसी सेहले वर्क ज़ाउदे और कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के वीडियो संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। यह अवसर है जब वो वीडियो संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आइए सुनते हैं ये वीडियो संदेश। योर एक्सीलेंसी नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू एड्रेस दिस वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। आई विश टू कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। As you all know, when the global agri-food system faces challenges to feed an ever-growing global population, resilient cereals like millets provide an affordable,
and nutritious option. Millets are incredible ancestral crops with high nutritional value. They play an important role and contribute to our collective efforts to empower smallholder farmers. However, the productivity of finger millet in Ethiopia is less than 2.4 tons per hectare, which is only a little higher than one third of its potential yield, which is 6 tons per hectare. It is also vital in achieving sustainable development, eliminate hunger, adapt to climate change, promote biodiversity, and transform agri-food systems. Ethiopia is one of the few millet-producing countries in sub-Saharan Africa and the center of the genetic diversity of the finger millet crops. As declared by the United Nations General Assembly, observing the International Year of Millets 2023 and the push for collective efforts towards increasing millet production will contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development. This is a timely reminder, as this event provides a unique opportunity to share experience among countries and raise awareness on the nutritional and health benefits of millet consumption. It's also a good opportunity to direct policy attention towards the cereal's suitability for cultivation under adverse climatic conditions and creating sustainable and innovative market opportunities. I hope the 2023 conference galvanizes interest in millets among various stakeholders like farmers, youth, and civil societies, and push governments and policymakers to prioritize the production of these cereals. I'm confident this conference will bring collective action and direct policy attention towards millets production. I thank you. Cooperative Republic of Ghana joins in congratulating Prime Minister Narendra Modi and the Government of the Republic of India for convening this first global conference on the International Year of Millets 2023. Indeed, it was India which 5 years ago launched its own National Year of Millets, and it was India which proposed to the United Nations that it declares this year, 2023, as International Year of Millets. India, as a global leader in the production and export of millets, is assuming global leadership in advancing the objectives of the International Year of Millets. In so doing, India is placing its expertise and service in addressing one of the world's most foremost challenges, food insecurity. The declaration of this international year is linked to the recognition that hunger and food insecurity are potent threats to the attainment of the Sustainable Development Goals. Millets have the potential to be a game changer in ensuring greater food security across the world, given their high nutritional properties and resilience in adapting to hot and dry climatic conditions. Millets provide an affordable and nutritious option to addressing food insecurity. Its production enhances rural incomes and supports poverty reduction. Ghana has identified the production of millets as having great potential towards enhancing national and regional food security. As CARICOM implements Vision 25 by 2025 to reduce the food import bill by approximately $1 billion by 2025, millet is an ideal solution to increase self-sufficiency and reduce reliance on imported cereal grains. Ghana looks forward to strengthening its cooperation with India to kickstart large, medium, and small-scale production of millets.
India is the largest millet producer in the world. And through collaboration, Guyana hopes to embark soon on the sustainable production of millets. In pursuit of this ambition, the government of Guyana has offered 200 acres of land for exclusive millet production. In return, the government of India will provide technical guidance and support with technology and technology transfer for millet production. Guyana is considered an ideal ecozone with optimum conditions for the growth and development of millets. Our warm climate will allow for the conducive soil temperature that is essential for the sprouting and germination of the millet seeds. Based on the minimal soil and climatic requirements, Guyana will commence trials to produce millets in 3 acres across the country, Region 4, Region 9, and Region 10. These identified areas represent the cropping zone in which similar crops like corn and soya are adaptive and are being produced on a large scale. I'm therefore pleased to join with the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the government of India in celebrating the International Year of Millets. Together, we can achieve sustainable development, eliminate hunger, adopt the climate change, and transform agri-food systems by exploring every viable opportunity. I therefore wish the conference every success and congratulate Prime Minister Modi and his team. Thank you, and may God bless you. We are grateful to Her and His Excellencies, the President of Ethiopia and Guyana, for their video messages and best wishes. देवी सज्जनों, मिलेट्स या श्री अन्न को लेकर यह सचमुच एक नवजागरण का काल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और संगठन मिलेट्स से जुड़े अभियान को सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मिलेट्स को अपनाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे वर्ष अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में भारत सरकार के डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट तैयार किया है। यह स्मारक डाक टिकट भारत को मिलेट्स यानी श्री अन्न के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने में देश के मिलेट उत्पादकों यानी किसानों के योगदान को दर्शाता है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस डाक टिकट का डिजिटली अनावरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उत्सव के उपलक्ष्य में 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी तैयार किया गया है। ये आजादी का अमृत काल मनाने की दिशा में एक कदम है। मैं निवेदन करूंगा पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस स्मारक सिक्के का एक बार पुनः डिजिटली अनावरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बहुत आभार पुनः प्रधानमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के मिलेट्स यानी श्री अन्न, उनसे होने वाले स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। भारत सरकार ने भी मिलेट्स के लिए लागू होने वाले स्वास्थ्य नियमों और मानकों का विवरण विस्तार से तैयार किया है और इन सब जानकारियों को एक पुस्तिका के रूप में संकलित और प्रकाशित किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से मिलेट से जुड़े इस स्टैंडर्ड बुक का डिजिटल लोकार्पण करने की कृपा करें।
बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ज्वार और अन्य मिलेट्स को लोकप्रिय बनाने, उसके बारे में अनुसंधान करने और उससे जुड़े अनेक उत्पादों तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाला देश का शीर्ष संस्थान है, जो भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ उसके छत्रछाया में काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से आज इस संस्थान को मिलेट यानी श्री अन्न के वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पहचान और प्रतिष्ठा मिलने जा रही है। आज यहाँ इसके लोकार्पण के साथ ही श्री अन्न और IYM 2023 पर एक वीडियो फिल्म भी हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूँगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर IIMR हैदराबाद को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उसका लोकार्पण करें। The history of growing millets in India is centuries old. Varieties of millets have been mentioned in the olden texts, and millets have always been an integral part of Indian cuisine and culture. Millets are sustainable to the environment, to the farmers growing it, and provide affordable and high nutrient options for all. India is the largest producer of Sri Anna, also known as millets in the world. It is heralding the world towards a prosperous agricultural demand through its millets production and export. On the initiatives of the Government of India, under the visionary leadership of our Prime Minister, the United Nations declared 2023 as the International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. Aaj duniya International Millet Year mana rahi hai. भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई। The aim of the International Year of Millets is to increase their consumption, ensure nutrition security, and provide millets a new identity in the international market. India is cultivating a number of millets and upping the entire landscape. Millets are also called superfoods, and these are rich sources of minerals like calcium, iron, zinc, phosphorus, magnesium, and potassium. The Government of India has declared the Indian Institute of Millets Research Hyderabad as the center of excellence to provide its technology and best methods for the cultivation of millets, which would be helpful for domestic as well as international stakeholders. To celebrate International Year of Millets, today, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is inaugurating the first global millets. Sri Anna Conference Exhibition and Buyer Seller Meet. In this global event, participation of delegates from various agriculture ministries of millet producing nations and importing nations, international organizations, scientists, national and international nutritionists and chefs will be seen. We strongly believe that the International Year of Millets 2023 will open new doors for millet producing farmers, marginal farmers and tribal communities. India will play an important role in this mission by leading the way to address global food security of the world. Millets, farmers' prosperity, food and nutrition security. Devi Sujano, Karitel Dhwani ke saath aise sabhi mahatvapurna prayason ko aapki shubhkamnaye mili hain, uske liye aap sabka aabhar. Millet, Shri Ann, Superfood, न्यूट्री सीरियल, ऐसे अनेक पहचान रखने वाला मिलेट आज विश्व भर में सबके आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, किसान की समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने की अपार संभावनाएं अपने अंदर समेटे है। वैश्विक स्तर पर मिलेट को पहचान दिलाने,
लोकप्रिय बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाए जाने के पीछे जिनका विजन और दूरदृष्टि है वे हैं भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। देवी सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र तोमर जी, मनसुख मांडविया जी, पीयूष गोयल जी, कैलाश चौधरी जी, विदेशों से आए हुए कुछ मंत्रीगण, गयाना, मालदीव्स, मॉरिशियस, श्रीलंका, सूडान, सुरीनाम और गाम्बिया के सभी माननीय मंत्रीगण, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स, विभिन्न एफपीओस और स्टार्टअप्स के युवा साथी, देश के कोने कोने से जुड़े लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केंद्र, स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है। इंडियन एम्बेसी से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारंभ में मौजूद है। ये भी इसके महात्म्य को दर्शाता है। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
अभी यहां मिलेट्स पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था। मैं आप सब से भी और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, सभी पहलुओं को समझने के लिए ये एग्जीबिशन देखना मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जरूर देखें। हमारे युवा साथी किस प्रकार से नए नए स्टार्टअप लेकर के इस फील्ड में आए हैं ये भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है। ये सभी भारत के कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े विदेशी अतिथियों को लाखों किसानों के सामने मैं आज एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। साथियों, हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 2018 में हमने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पर घोषित किया था। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने से लेकर बाजार में इंटरेस्ट पैदा करने तक हर स्तर पर काम किया गया। हमारे यहां 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है, लेकिन इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है, यानी 2-3 किलो से बढ़कर के 14 किलो।
मिलेट फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री भी करीब 30% बढ़ी है। अब जगह जगह मिलेट कैफे नजर आने लगे हैं, मिलेट से जुड़ी रेसिपीज के सोशल मीडिया चैनल्स बन रहे हैं। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत भी सिलेक्ट किया गया है। साथियों, हम जानते हैं कि श्री अन्न उगाने वाले ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और कुछ लोग ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम जमीन है और उन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन, श्री अन्न के लिए शुरू हुआ यह अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। जब मिलेट्स श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप भी बने हैं। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपरमार्केट तक पहुंच रहे हैं, यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। साथियों, भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट भी है। भारत का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरे विश्व को एक परिवार मानने की यह भावना इंटरनेशनल मिलेट ईयर में भी झलकती है। विश्व के प्रति कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदैव भारत के मन में रहा है। आप देखिए, जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरे विश्व को उसका लाभ मिले। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया के 30 से ज्यादा देश आयुर्वेद को भी मान्यता दे चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में आज भारत का ये प्रयास सस्टेनेबल प्लेनेट के लिए
एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि आयसा से भी 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। आज चाहे लाइफ मिशन की अगुवाई हो, क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करना हो, हम अपनी विरासत से प्रेरणा लेते हैं, समाज में बदलाव को शुरू करते हैं और उसे विश्व कल्याण की भावना तक लेकर जाते हैं। और यही आज भारत के मिलेट मूवमेंट में भी दिख रहा है। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्रीअन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्रीअन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं, उसे भी सीखना चाहते हैं। सीखने का भी हमारा इरादा है। इसलिए जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। साथियों, आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की यह ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियंट होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। साथियों, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है, जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। यहां खराब पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न
बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है, यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद है। आज भारत में नेशनल फूड बास्केट में श्री अन्न का योगदान केवल 5-6% है। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि क्षेत्र के जानकारों से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें हर साल के लिए अचीवेबल टारगेट सेट करने होंगे। देश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेट सेक्टर को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आए, इस दिशा को, इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिश्चित करना होगा। कई राज्यों ने अपने यहां पीडीएस सिस्टम में श्री अन्न को शामिल किया है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। मिड डे मील में भी श्री अन्न को शामिल करके हम बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं, खाने में नया स्वाद और विविधता जोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है इन सभी बिंदुओं पर इस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा होगी और उन्हें इंप्लीमेंट करने का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। हमारे अन्नदाता के और हम सबके साझा प्रयासों से श्री अन्न भारत की और विश्व की समृद्धि में नई चमक जोड़ेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने समय निकाल करके हमें जो संदेश भेजा, उन दोनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय का, उनकी प्रेरणा के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके संबोधन के लिए। आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि से अपने स्थान पर खड़े होकर आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिनको उद्घाटन अवसर पर आपके आगमन ने हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और गति के साथ और समर्पित भाव से आपके विजन को देश और दुनिया में धरातल पर उतारने के लिए हमारे संकल्पों को और मजबूती प्रदान की है आपके मार्गदर्शन ने और आपकी उपस्थिति ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार इस उद्घाटन सत्र में उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। देवियों सज्जनों, साथ ही आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, आदरणीय श्री पीयूष गोयल, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये दिल्ली के पूसा से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां ग्लोबल मिलेट समिट